नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान को लेकर आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जून में बातचीत हुई थी, लेकिन इस दौरान कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया गया था। मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे पर चिंता जताते हुए अदूर गोपाल कृष्णन और अनुराग कश्यप समेत 39 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरने के बाद प्रदेश के भाजपा पार्टी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिरने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की आज जीत हो गई, वहीं लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक की जनता हार गई। कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम यहां सरकार के गिरने का कारण नहीं बनेंगे। कांग्रेस के नेता खुद अपनी सरकार के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं। सोनभद्र के मूर्तिया गांव में 17 जुलाई को हुए नरसंहार की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी सोनभद्र पहुंच गई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष की चुप्पी बहुत मुद्दों पर एक उदासीन भाव पैदा कर रही है, इससे देश के लोकतंत्र को खतरा है। कानपुर देहात में पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। मथुरा में 25 साल के एक युवक की हत्या करके उसके शव को जंगल में आग लगाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी प्रभारी को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने नामी बदमाश संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन को बोरिस जॉनसन के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया है। बोरिस आज से आधिकारिक तौर पर बतौर पीएम अपना कार्यभार संभालेंगे। अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलासा किया है कि उनके देश में 40 अलग अलग आतंकवादी समूह पाकिस्तानी सीमाओं के भीतर चल रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात कर कहा कि वे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। पाक पीएम इमरान खान ने एक बयान देते हुए कहा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को हल करने की बहुत करीब थे। ईरान ने ऐलान किया है कि वह संयुक्त व्यापक कार्ययोजना से जुड़े देशों के साथ 28 जुलाई को वियना में आकस्मिक बैठक करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंडियन टीम में अजिंक्य रहाणे को नहीं शामिल किए जाने पर ट्वीट कर हैरानी जताई है। वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स इस अवार्ड के हकदार हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने फिटनेस की समस्याओं के चलते जापान ओपन के शुरू होने से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी साई प्रणीत ने केंटो निशिमोतो को हराकर जापान ओपन पुरुष एकल के दूसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। दक्षिण अमेरिकन फुटबॉल संघ को भ्रष्टाचारी कहने पर लियोनल मेसी को विश्व कप 2022 के लिए अर्जेंटीना के पहले विश्व कप क्वालिफायर मैच से निलंबित कर दिया गया है। एक्टर अक्षय कुमार जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 के टाइटल ट्रैक में रैप सॉन्ग गाते नजर आएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा, जोनस, फरहान अख्तर और जायरा वसीम स्टारर फिल्म द स्काई इज पिंक का फर्स्ट लुक टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिवील कर दिया गया है। बॉलीवुड दीवा ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपने पति अभिषेक की तस्वीर अपलोड की है, जो लोगों द्वारा काफी पसंद की जा रही है। इस फोटो में अभिषेक अपनी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को चीयर करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बाद अब जैकलिन फर्नांडिस ने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। अपने पहले वीडियो में उन्होंने कैमरे से लोगों को अपनी दुनिया दिखाई।